लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि बाइल एसिड एंड बाइल सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है, और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि बाइल एसिड डिसऑर्डर और बाइल एसिड मालअब्सॉर्प्शन क्या होता है। नॉर्मली बाइल एसिड लीवर में सिंथेसाइज होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, और जब भी कभी लिपिड का डाइजेशन करना होता है तो ये इंटेस्टाइन में जाकर वहां पे सेकेंडरी बाइल एसिड बनाता है और 95% रीअब्सॉर्ब हो जाता है, 5% एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो बाइल एसिड सिंथेसिस डिसऑर्डर एक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जिसमें बाइल एसिड का सिंथेसिस नहीं हो पाता है। तो इस तरह के जो डिसऑर्डर होते हैं उनको हम बाइल एसिड सिंथेसिस डिसऑर्डर कहते हैं। प्राइमरी बाइल एसिड सिंथेसिस डिसऑर्डर एक कंजनाइटल डिफिशियंसी हो जाती है एंजाइम्स की, जो कि रिक्वायर्ड होते हैं बाइल एसिड सिंथेसिस के लिए। तो जैसे कि बाइल एसिड हो गए कोलिक एसिड, चिनोडीऑक्सीकोलिक एसिड, इनकी सिंथेसिस नहीं हो पाती है क्योंकि वो एंजाइम जो रिक्वायर्ड है वो सिंथेसाइज नहीं हो पाते हैं। तो इसको हम प्राइमरी बाइल एसिड सिंथेसिस डिसऑर्डर कहते हैं। सेकेंडरी में क्या होता है कि जो बाइल एसिड है वो बन रहा है लेकिन उसका ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा है जहाँ पे उसको काम करना है, जैसे इंटेस्टाइन में। तो ये कंडीशंस कब होती है, जब वहाँ पे लो गामा जीटी फैमिलियर इंटरहेपेटिक कोलेस्टेसिस हो जाए, दैट्स मीन कि स्टोन हो जाए डक्ट में, वो ऑब्स्ट्रक्ट कर दे और वो बाइल एसिड का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा है, या फिर MDR3 डिफिशियंसी, स्मिथ लेमली ऑप्टिव सिंड्रोम हो जाने की वजह से, जिसमें कोलेस्ट्रॉल ही नहीं बन पाता है या कोलेस्ट्रॉल की सप्लाई नहीं हो पाती है बॉडी में। एंड लास्ट है जो लेगर स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जो कि एक प्रोग्रेसिवल डिसऑर्डर है और इसमें भी बाइल एसिड का सिंथेसिस नहीं हो पाता है। बाइल सिंथेसिस डिसऑर्डर के मेन कॉज है, ये एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि इनहेरिटेड ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। इसमें पेरेंट्स, बोथ पेरेंट्स एज अ कैरियर अगर जीन डिफेक्ट होता है तब बाइल एसिड सिंथेसिस डिसऑर्डर होता है। मेन सिम्टम्स जॉइंटिस है, जिसमें स्किन और आईज येलो कलर की हो जाती हैं, ग्रोथ जो है वो नहीं हो पाती है। साथ ही साथ अगर बाइल एसिड सिंथेसिस डिसऑर्डर है तो जो फैट सॉल्युबल विटामिन है लाइक ADE K, तो उनके भी डिफिशियंसी हो जाती है। लार्ज और स्प्लीन एंड लीवर क्या होते हैं, लार्ज हो जाते हैं, साथ ही साथ कुछ लीवर डिसीजेस भी उन पेशेंट्स को हो जाती हैं। डायग्नोसिस, तो जो बाइल एसिड सिंथेसिस डिसऑर्डर है उसके जो डायग्नोसिस करने के लिए जो मेन टेक्निक्स हैं वो है फास्ट एटम बम्बार्टमेंट मास स्पेक्ट्रोमेट्री, इलेक्ट्रोस्प्रे आयनाइजेशन मास स्पेक्ट्रोमेट्री, गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमेट्री, इससे हम पता लगाते हैं बाइल एसिड सिंथेसिस डिसऑर्डर का। ट्रीटमेंट क्या है, तो अर्सोडीऑक्सीकोलिक एसिड का सप्लीमेंट दिया जाता है ताकि जो बाइल एसिड सिंथेसिस नहीं हो पा रही है उसकी वजह से जो सिम्टम्स आ रहे हैं उसको रिड्यूस कर दिया जाए, और ग्लाइकोलिक एसिड थेरेपी भी दिया जाता है, और साथ ही साथ जिसकी वजह से बाइल एसिड को एंजाइम लाइगेज की डिफिशियंसी को रिड्यूस किया जाता है। तो इस तरह से बाइल एसिड डिसऑर्डर का डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट किया जाता है। नेक्स्ट है बाइल एसिड माल अब्सॉर्प्शन। माल अब्सॉर्प्शन का मतलब ही होता है कि इंटेस्टाइन में किसी भी चीज का अब्सॉर्प्शन सही से नहीं हो पा रहा है। तो बाइल एसिड माल अब्सॉर्प्शन, जिसको BAM भी कहते हैं, ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसीज है और इसकी वजह से क्रोनिक डायरिया पेशेंट को हो जाता है, क्योंकि बाइल एसिड रीअब्सॉर्ब नहीं हो पाएगा जिसकी वजह से वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद वहां पे एबनॉर्मली हाई लेवल ऑफ वाटर एंड सॉल्ट लार्ज इंटेस्टाइन से उसके ल्यूमन में आ जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को वॉटरी या बोवेल सिंड्रोम हो जाता है और उसको डायरिया की प्रॉब्लम होने लगती है। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट निकलने की वजह से पेशेंट को वॉटरी डायरिया की समस्या हो जाती है। नॉर्मली देखिए लीवर है, ये गॉल ब्लैडर है, लीवर में बाइल एसिड सिंथेसाइज होता है एंड कंसंट्रेटेड फॉर्म में गॉल ब्लैडर में जाकर ये स्टोर हो जाता है। जब इसकी जरूरत पड़ती है लिपिड के डाइजेशन में तो ये इस डक्ट के थ्रू पहुंचता है इंटेस्टाइन या ड्यूडेनम में जाके रिलीज होता है। तो ये नॉर्मली फंक्शन है बाइल एसिड का, जो कि इमल्सिफिकेशन और मिसेल फॉर्मेशन करके लिपिड के डाइजेशन और विटामिन, फैट सॉल्युबल जो विटामिन है उनके डाइजेशन में हेल्प करता है। तो यहाँ पर जब गॉल ब्लैडर रिलीज हुआ,
बाइल एसिड जब रिलीज होता है तो यहाँ ड्यूडेनम में पहुंचता है, साथ ही साथ पैनक्रियाटिक जूस के साथ ड्यूडेनम में पहुंचता है। वहां पे पहुंचने के बाद ये करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन क्या होता है कि जो बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स होते हैं, ग्लोब्यूल्स होते हैं, उसके साथ जब बाइल एसिड मिक्स होता है तो वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ देता है। इसी को ही इमल्सिफिकेशन प्रोसेस कहते हैं, जिसकी वजह से लिपिड का डाइजेशन ईजिली हो पाता है। सेकेंड, ये करता है कि ये एब्जॉर्प्शन करता है फैट सॉल्युबल विटामिन का। जब भी लिपिड का डाइजेशन हो रहा होता है तो उसके साथ ही साथ फैट सॉल्युबल विटामिन का भी एब्जॉर्प्शन हो जाता है, जो कि बाइल एसिड हेल्प करता है। एंड डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड, तो बाइल एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, क्योंकि डाइजेशन इमल्सिफिकेशन एंड एब्जॉर्प्शन मिसेल फॉर्मेशन थ्रू द बाइल एसिड लिपिड का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन हो पाता है। एंड नेक्स्ट है एक्सक्रीशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो बाइल एसिड कोलेस्ट्रॉल से बनता है और कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में, बाइल एसिड के फॉर्म में ही कोलेस्ट्रॉल बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है, जिसकी वजह से फैटी लीवर और अदर डिसीजेस, ओबिसिटी, ये सब की प्रॉब्लम नहीं हो पाती है। आई होप आपको बाइल एसिड समझ में आया होगा कि बाइल एसिड कहाँ बनता है, कैसे स्टोर होता है और उसका मेन फंक्शन क्या है। तो बाइल एसिड जब भी बनता है चीनोडीऑक्सीकोलिक कोलिक एसिड, उसके बाद बनने के बाद प्राइमरी बनता है, उसके बाद जब वो इंटेस्टाइन में रिलीज होता है तो वहाँ पे वो सेकेंडरी बाइल एसिड बनाता है, जैसे डीऑक्सीकोलिक एसिड एंड लीथोकोलिक एसिड। ये लीथोकोलिक एसिड एंड डीऑक्सीकोलिक एसिड 95% क्या हो जाते हैं, रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं एंड 5% एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं बॉडी से। तो जब ये 95 जो रीअब्सॉर्ब हो रहा है, जब ये प्रोसेस नहीं हो पाती है, तब बाइल एसिड माल अब्सॉर्प्शन की प्रॉब्लम पेशेंट को होती है और इस कंडीशन को हम बोलते हैं बाइल एसिड माल अब्सॉर्प्शन, जिसकी वजह से पेशेंट को वाटरी डायरिया की प्रॉब्लम होती है। तो बाइल एसिड माल अब्सॉर्प्शन नॉर्मली माइक्रोस्कोपिक कोलाइटिस, क्रोन डिसीज, जिन भी पेशेंट को क्रोन डिसीज होता है, एचआईवी रिलेटेड एंटराइटिस, डायरिया, या भी किसी पेशेंट को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या एक्सोक्राइन पैंक्रियाटिक इनसिफिशियंसी है, उन पेशेंट में जनरली बाइल एसिड माल अब्सॉर्प्शन देखा जाता है। उनके मेन सिम्टम्स होते हैं, उन पेशेंट को वाटरी डायरिया होगा, बोवेल मूवमेंट हो रहा होगा, पेनफुल स्टमक क्रैम्प हो रहा होगा, और साथ ही साथ अगर बाइल एसिड सही से रीअब्सॉर्ब नहीं होगा तो उसकी सिंथेसिस नहीं होगी, तो जो लिपिड का डाइजेशन वो सही से नहीं हो पाएगा, तो उस पेशेंट को स्टेटोरिया मतलब स्टूल में फैट ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होगा। मेनली जो बाइल एसिड माल अब्सॉर्प्शन है उसको 4 टाइप में डिफरेंशिएट किया गया है। पहला है प्राइमरी बाइल एसिड माल अब्सॉर्प्शन, जो कि मेनली कॉज होता है कि लीवर ओवर प्रोड्यूस करता है बाइल एसिड को, जितनी टेंडेंसी है इंटेस्टाइन की एब्जॉर्ब करने की, उससे ज्यादा अगर बाइल एसिड बनता है तो वो इंटेस्टाइन उसको एब्जॉर्ब नहीं करता, जिसकी वजह से डायरिया की प्रॉब्लम हो जाती है। सेकेंडरी बाइल एसिड माल अब्सॉर्प्शन कॉज करता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई डैमेज या कोई डिसीज हो गई है या कोई सर्जरी या रेडिएशन ट्रीटमेंट किया गया है, जिसकी वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन नॉर्मली बाइल एसिड को रीअब्सॉर्ब नहीं कर पा रहा है। टाइप 1 बाइल एसिड माल अब्सॉर्प्शन ये कॉज करता है जब ईलियम में ही कोई प्रॉब्लम होती है, इसकी वजह से टाइप 1 बाइल एसिड माल अब्सॉर्प्शन होता है। इसको ट्रू माल अब्सॉर्प्शन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बाइल एसिड सही से रीअब्सॉर्ब नहीं हो पाता है। और ये कब होता है, जब उस पेशेंट को क्रोन डिसीज हो या उसने कोई रेडिएशन थेरेपी ले रखी हो। टाइप 2 बाइल एसिड माल अब्सॉर्प्शन, जिसको आइडियोपैथिक भी कहते हैं, दैट्स मीन कि कोई सिग्नलिंग है जो इंटेस्टाइन लीवर के बीच में है, वो गड़बड़ हो गई है, जिसकी वजह से बाइल एसिड रीअब्सॉर्ब नहीं। टाइप 3 बाइल एसिड माल अब्सॉर्प्शन कॉज होता है जब उस पेशेंट को कोई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसीज हो, जिसकी वजह से ईलियम पे इफेक्ट पड़ा हो या फिर कोई अदर पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम पे इफेक्ट पड़ता है, जैसे ये डिसीज है सीलियाक डिसीज, क्रोनिक पैंक्रियाटिस एंड स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, इन सब कंडीशन में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसीज हो जाती है, जिसकी वजह से टाइप 3 बाइल एसिड माल अब्सॉर्प्शन हो जाता है। टाइप 4 बाइल एसिड माल अब्सॉर्प्शन तब होता है जब कोई पेशेंट कोई ड्रग्स ले रहा हो लाइक मेटमॉर्फिन, और उसकी वजह से बाइल एसिड का ओवर प्रोडक्शन हो गया हो। मेन डायग्नोसिस क्या है, तो इसके लिए
SCSCAT टेस्ट, जिसका फुल फॉर्म सेलेनियम 75 होमोकोलिक एसिटोरिन टेस्ट है, इसमें प्रेफर किया जाता है फॉर द बाइल एसिड माल अब्सॉर्प्शन। इसमें क्या किया जाता है कि एक पेशेंट को कैप्सूल दिया जाता है और उस कैप्सूल के साथ ही साथ जो सेलेनियम 75 होमोकोलिक एसिटोरिन है उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो सेम बाइल एसिड की एब्जॉर्प्शन की तरह होता है। तो जब ये कैप्सूल दिया जाता है उसके बाद ये एक न्यूक्लियर इमेजिंग है, तो उसमें मेडिसिन इमेजिंग टेस्ट है जिसमें जो कैप्सूल दिया गया है उसके लेवल वो कितना रीअब्सॉर्ब हुआ है कितना रीअब्सॉर्ब नहीं हुआ है उसकी इमेजेस के अकॉर्डिंग हम ये पता करते हैं कि उस पेशेंट को बाइल एसिड माल अब्सॉर्प्शन है कि नहीं है। अगर जो कैप्सूल है उसका 1-2 डेज के बाद भी अगर 85% से ज़्यादा कंसनट्रेटेड इंटेस्टाइन में बना हुआ है या इमेजेस में वो मिल रहा है, दैट्स मीन कि बाइल एसिड सही से रीअब्सॉर्ब नहीं हो पा रहा है और उस पेशेंट को बाइल एसिड माल अब्सॉर्प्शन की प्रॉब्लम है। सेकेंड सीरम C4 टेस्ट है, इसमें हम ये पता करते हैं कि लीवर कितना, जो लीवर है वो बाइल एसिड का ओवर प्रोडक्शन कर रहा है या नहीं। तो एलिवेटेड C4 लेवल्स आर गुड इंडिकेटर ऑफ प्राइमरी बाइल एसिड माल अब्सॉर्प्शन विच इज कॉज्ड बाय द ओवर प्रोडक्शन ऑफ बाइल एसिड। नेक्स्ट टेस्ट है फीकल बाइल एसिड टेस्ट। तो फीकस पे कितना बाइल एसिड एक्सक्रीट आउट हो रहा है उसके लेवल को पता करके भी हम बाइल एसिड माल एब्जॉर्प्शन का पता कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ द बाइल एसिड माल एब्जॉर्प्शन। तो बाइल एसिड के मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट के लिए बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट, जिनको बाइल एसिड बाइंडर्स भी कहते हैं, ये क्या करते हैं, ये एक पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और बाइल एसिड निगेटिवली चार्ज होता है। तो पॉजिटिवली चार्ज बाइल एसिड बाइंडर्स निगेटिव चार्ज बाइल एसिड से जाकर बाइंड कर जाते हैं और जो डायरिया को ट्रिगर कर रहा था उसको रिड्यूस और रिमूव करते हैं। इसकी वजह से उस पेशेंट को डायरिया नहीं हो पाता है। तो मेन बाइल एसिड बाइंडर्स होते हैं कोलेस्ट्रायमीन, जिसको क्वेस्ट्रान कहते हैं, ये मोस्ट कॉमनली प्रिस्क्राइब किया जाता है एज अ बाइल एसिड बाइंडर। सेकेंड है कोलेस्टिपॉल, जिसको कोलेस्टिड कहते हैं, ये अनदर एक बाइल एसिड बाइंडर है। एंड देन कोलेसेवलम, जिसको वेलकॉल कहते हैं, ये अनलाइसेंस अल्टरनेटिव है एज अ बाइल एसिड बाइंडर्स। तो इस तरह से बाइल एसिड डिसऑर्डर्स एंड बाइल एसिड माल एब्जॉर्प्शन, या जिसको बाइल एसिड डायरिया भी कहते हैं, ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आपको समझ में आया होगा। इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।